ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ये सूर्य देव का तंत्रोक्त मंत्र है। जो लोग प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ दे करके और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला रविवार के दिन विशेष करके जप करते हैं, उनके जीवन में आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होती है, उनका उत्साह हर समय बना रहता है और ऐसे लोग कभी डिप्रेशन अर्थात अवसाद कुंठा के मरीज नहीं होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका जन्म समय खोलेगा आपके कल, आज और कल के राज। आपका जन्म समय बताएगा आपका व्यवहार। आपका जन्म समय बताएगा आपकी किस्मत कहाँ। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब आपके जन्म का दिन, आपके जन्म का समय और साथ ही आपके जन्म का हर पहर खोलेगा आपके भविष्य के राज। क्योंकि आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि सुबह, दोपहर, शाम और रात को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उनका भविष्य कैसा होता है। साथ ही साथ आपकी राशि अनुसार पंडित जी आपको बताएंगे कि कौन सा इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको काम में सफलता मिल सके। तमाम खास बातें आज हम पंडित जी से जानेंगे काल चक्र में। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 01204602503 और 4602504। जिन लोगों का जन्म सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है और उनका आने वाला कल यानी कि भविष्य कैसा होने वाला है, आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी, जन्म हुआ है सुबह 4 से 6 के बीच। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का विषय हमने जो समय पर लिया है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में आप पैदा हुए हैं तो आपका स्वभाव क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, आपका भाग्य क्या होगा, इसका हमारा क्या है ज्योतिषीय आधार, इसके विषय में हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी भोर में पैदा होता है, प्रातः काल पैदा होता है तो लग्न में सूर्य होता है, तो लग्न में सूर्य का क्या प्रभाव होता है जातक के ऊपर, हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर किसी का जन्म होता है तो सूर्य 12वें भाव में होता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है जातक के ऊपर। इसी तरह से सूर्य का 11वें, 10वें, 9वें, 8वें, 7वें, 6वें या 5वें, 4थे, 3रे, 2रे भाव में होने पर अलग अलग एक जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आज इसी कार्यक्रम को हम लेकर के आपके बीच हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने समय को ध्यान दें कि आप कितने बजे पैदा हुए हैं और उस समय के आधार पर अगर आप अपने जीवन का मिलान करेंगे तो निसंदेह यह जो फलादेश है 100% आपको आपके जीवन में खरा उतरता हुआ दिखाई देगा और इसके आधार पर कुछ उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों का जन्म रात्रि में 4 बजे से 6 बजे प्रातः के बीच में हुआ है उनका सूर्य ग्रह लग्न में होता है और अच्छी सेहत और आत्मविश्वास देता है। ऐसे लोग जो कुछ भी अपने जीवन में ठान लेते हैं या सोच लेते हैं वह करके ही दम लेते हैं। सुबह 4 से 6 बजे के बीच जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों का जन्म, अब बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है उनका सूर्य 12वें भाव में होता है, ये जिंदगी में रहस्यपूर्ण बदलाव लाता है। ऐसे लोग प्रायः दाहिनी आंख में परेशानी के शिकार होते हैं। ऐसे लोगों की दिनचर्या काफी सख्त होनी चाहिए और दिमाग शांत रहता है। आमदनी के मुकाबले खर्च भी ज्यादा होता है और कभी कभी जीवन के मध्यायु में 44 से 50 साल की उम्र में शासन द्वारा इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऐसे शासन के एजेंसियों के द्वारा तकलीफ भी मिलती है। तो यदि आपका जन्म 6 से 8 बजे के बीच हुआ है तो आपको चाहिए कि आप सूर्य का ओम तंत्रोक्त मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका आप जप अवश्य किया करें। तो यदि आपका जन्म सुबह 4 बजे से 6 के बीच और 6 बजे से 8 के बीच हुआ है, पंडित जी ने आपको बता दिया है कि कैसा आपका स्वभाव हो सकता है और कैसा आपका भविष्य हो सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच हुआ है, उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, उनका स्वभाव कैसा होने वाला है, ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल में हमारी पहली राशि का जो कि है मेष राशि। जानते हैं रीस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि आपको अपनी राशि अनुसार कौन से इत्र का इस्तेमाल करना है यदि आप चाहते हैं कि आपको हर कार्य में सफलता मिले। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का पराक्रम और आत्मविश्वास
दोनों ही प्रशंसनीय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि होगी और व्यवसाय में आपको आज लाभ ही लाभ दिखाई देगा। माँ का सुख, सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। आज अपने दिन को सफल बनाने के लिए आपको चाहिए कि मोंगरे का इत्र आज आप इस्तेमाल करें। इससे पूरे दिन आपको प्रसन्नता मिलेगी और जिस भी कार्य में आज आप हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और आपको किस इत्र का इस्तेमाल करना है कार्य में सफलता पाने के लिए। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज अगर कोई यात्रा आप करते हैं और यह आपके व्यवसाय से संबंधित है तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। हर काम में आपको सफलता मिले इसके लिए आज आपको चाहिए कि चमेली के इत्र का आप प्रयोग करें। निःसंदेह आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मध्य प्रदेश सागर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अनूप जी, स्वागत है आपका। अनूप जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी सर, मैं 25 साल का हूँ पंडित जी। जी जी, और मुझे जानना मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरी आने वाली संतान का भविष्य कैसा रहेगा। अनूप जी, मंगल और शनि का तृतीय एकादश इत्थसाल इस बात का संकेत कर रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। सरकारी नौकरी लगने में 2 से 2.5 वर्षों का विलंब है। आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी, आपको प्रयास करना चाहिए। आपका आने वाला भविष्य बहुत सुंदर है और आपके बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आपका जन्म सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में हुआ है तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ आपका भविष्य कैसा होने वाला है, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित, सुबह 8 से 10 के बीच, सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब कि कुंडली में आपके 11वें घर में आमदनी के स्थान में सूर्य की स्थिति है। ऐसा सूर्य आपको सामाजिक बनाता है और ऐसे लोगों के मित्र बहुत होते हैं, खर्चीले होते हैं। जिन लोगों का जन्म, अब बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच हुआ है, जिनका सूर्य कुंडली के 11वें भाव में बैठा हुआ है, उन लोगों को बड़े भाई का सुख बहुत मुश्किल से मिल पाता है और ऐसे लोग ईमानदारी की ही कमाई करते हैं। लेकिन जिन लोगों का जन्म 10 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है, उनका सूर्य 10वें घर में अर्थात केंद्र के 10वें घर में विराजमान होता है और व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है। इस समय के बीच जन्मे हुए लोग जो होते हैं वो जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। हर क्षेत्र में इनका प्रदर्शन सराहनीय होता है। अपनी शक्ति और बल का गलत इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानते हैं यदि आप चाहते हैं हर कार्य में सफलता पाना तो आपको कौन से इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में उन्नति का योग बन रहा है और रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे हो जाएंगे। आप प्रतियोगी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेवेंडर का इत्र आपको लगाने से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन और साथ ही साथ आपको किस इत्र का इस्तेमाल करना है यदि आप चाहते हैं हर कार्य में सफलता पाना, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको गुलाब का इत्र सेवन करना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप दोपहर में जन्मे हैं तो ऐसे में आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए और साथ ही साथ भविष्य आपका क्या कहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दोपहर में जन्मे जातकों के लिए बताइए। देखिए, जिन लोगों का जन्म दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों का सूर्य कुंडली के 9वें घर में होकर के यात्रा से भरी जिंदगी, परोपकारी स्वभाव, धार्मिक सोच और राजा की तरह जीवन, तेज दिमाग
और प्रसिद्ध होने का संकेत करता है। लेकिन ऐसे लोगों का भातृभाव, भाई बहनों का सुख कमजोर होता है। कुंडली में नौवां घर अच्छे भविष्य के बारे में बताता है। जिन लोगों का जन्म ऐसे समय में हुआ है, उन्हें चाहिए कि आप स्फटिक की माला अपने गले में धारण करें और सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपका सदैव कल्याण होगा। पंडित जी, और बताइए, जिन लोगों का जन्म 2 से 4 के बीच हुआ है। जिन लोगों का जन्म 2 बजे से 4 बजे के बीच हुआ है, उनकी कुंडली में सूर्य 8वें स्थान में होता है, मृत्यु स्थान में होता है और धन भाव पर इसकी दृष्टि जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैंक या पैसों से जुड़े हुए काम में शामिल होने का संकेत मिलता है। इस समय के बीच जन्म लोगों को किसी दुर्घटना या कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोगों को पिता का सुख बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है और खास करके अगर द्वितीय भाव में शनि की स्थिति हो और सूर्य की दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो ऐसा जातक जिंदगी में धन संचय में भी कामयाब नहीं हो पाता है। सतना मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गई है। ऋचा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैं सतना से बोल रहा हूँ, ऋषि कुमार शुक्ला। मेरी बच्ची ने फोन किया था जी। मैं अपनी बच्ची के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसकी जन्म तारीख है 21 मार्च 1987 और रात 12:19 पे हुई है और रीवा उसका बर्थ प्लेस है। मैं उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो कब होगी और कहाँ किस तरफ होगी और उसका जीवन कैसा रहेगा, और मेरे बच्चे के बारे में भी जानना चाहता हूँ। देखिए ऋषि जी, मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है और आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने बेटी के विवाह के संदर्भ में जो प्रश्न किया है, तो सूर्य शनि दोनों की तुला राशि में योग युति बन रही है। इस वर्ष यदि आप प्रयास करेंगे तो मार्च अप्रैल तक आपके बेटी का विवाह तय हो जाएगा और वैवाहिक जीवन निसंदेह अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आनंदपुर से मेघा जी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। मेघा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। यदि आपका भी कोई प्रश्न है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 01204602503 और 4602504। आज का विषय बेहद दिलचस्प है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ है, किस पहर में हुआ है। बेहद खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि पंडित जी हमें ये बता रहे हैं यदि हमारा जन्म सुबह, दोपहर, शाम या फिर रात में हुआ है तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए और भविष्य कैसा होना चाहिए। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गई है। ममता जी, स्वागत है आपका। ममता जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। देखिए, मेरी उम्र है 50 है ना, और मेरा बेटा है, बेटे के बारे में मुझे पूछना है जी। उनकी उम्र बताकर सवाल बोलिए। हाँ जी, मैं मेरी उम्र है 50 ईयर्स। बेटे की उम्र बताइए, सवाल करिए। बेटे की है 30 है जी। 10 मार्च 84 का जन्म है उसका जी। क्या जानना चाहती हैं? मैं उसकी ये चाहती हूँ उसकी शादी कब तक हो पाएगी और जो है मतलब उसका कैरियर कैसा क्या रहेगा, मुझे ये बता दीजिए प्लीज, मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज। ममता जी, अभी भी इनके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। बुध बृहस्पति का पंचम भाव में इत्यसार इस बात का संकेत कर रहा है कि विवाह तो होना चाहिए, लेकिन मंगल का मड़ऊ योग कहीं न कहीं से इस विवाह को व्यवधित कर रहा है। आपको चाहिए कि तांबे के लोटे में मसूर भर करके 4 मंगलवार इनसे दान करवाइए, तब इनके विवाह का योग बनेगा और 2014 के अंत तक इनके विवाह का योग बन जाएगा। अहमदनगर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मयूर जी, स्वागत है आपका। मयूर जी, अपनी उम्र बताइए और फिर सवाल करिए। हेलो जी, मयूर जी, मयूर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस, मैं अपने पापा के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका जन्म 4/4/1978 में। हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं मयूर? मयूर, यदि आप टीवी सुनते रहेंगे तो आप हमारी बात नहीं सुन पाएंगे। आप क्या जानना चाहते हैं अपने पापा के बारे में? चलिए, खैर कोई बात नहीं। आप सभी से गुजारिश है, यदि आपकी और हमारी बात होती है, हम हमेशा आपसे यही कहते हैं कि टीवी से थोड़ा दूर होकर बैठिए, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि जो भी बात हम आपसे कर रहे हैं, जो भी सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे सके और उसके बाद जो आप जानना चाहते हैं उसका सही उत्तर पंडित जी आपको बता सके।